फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक बढ़िया तीखा चटपटा सा नाश्ता। तो इस नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब। आप इसे कभी भी सुबह शाम चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हरी मटर, आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधी बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया 5 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 6-7 कली लहसुन की, आधी बारीक कटी हुई गाजर, पालक, 1 बॉयल की हुई आलू, 1 चम्मच मैगी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच विनेगर, काजू, ब्रेड क्रम्स। तो अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक को बॉयल कर लेंगे। पालक बॉयल करने के लिए पैन ले लिया है। अब इसमें पालक को डाल देंगे। 4-5 चम्मच पानी डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे। इसको रखे हुए कुछ देर हो चुका है। अब गैस को हम हाई फ्लेम पर कर लेंगे। इसे फिर से ढककर हम इस तरह रख देंगे। इसे रखे कुछ देर हो चुका है और पालक अच्छे से पक गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालकर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड। अब इसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन डालने के बाद अब इसमें डालेंगे गाजर, हरी मटर, शिमला मिर्च, प्याज, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 2 मिनट हो चुका है इसको रखे हुए। अब हम चेक कर लेंगे कि पक चुका है या नहीं। तो ये अच्छे से पक चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में खाली करेंगे। बाउल में खाली करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लोर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, बॉयल की हुई पालक, ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा बचाकर रख लेंगे, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। ग्रेट की हुई आलू। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे विनेगर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीजों को इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसकी टिक्की हम तैयार करेंगे। फिर इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह हम लगाएंगे। एक टिक्की बनकर तैयार है, दूसरी भी हम इसी तरह बना लेंगे। सारी टिक्की बनकर देखिए तैयार है। इस तरह टिक्की बनाने के बाद अब इस पर हम लगाएंगे काजू। अब इसे हम सेक लेंगे। पैन में डाल रहे हैं 2 चम्मच रिफाइंड। इस तरह हम फैला देंगे पूरे पैन में। अब इस पर हम रखेंगे बनाई हुई टिक्की को।
अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड में ये हल्का सा सेक चुका है, इसको हम पलट देंगे। इसी तरह इन सारे को भी हम पलट देंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये दोनों साइड अच्छे से सेक चुके हैं, अब इनको हम प्लेट में निकालेंगे। फिर से इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे और दूसरे कबाब को भी हम इसी तरह सेक लेंगे। इसको भी इसी तरह पलट कर सेक लेंगे। ये भी सेक चुके हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकालेंगे। बनकर तैयार है हरा भरा कबाब साथ में टोमेटो सॉस। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।